माय यूट्यूब चैनल किरण की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की रसेदार सब्जी, जो काफ़ी टेस्टी होगी और इसे पूरी पराठे के साथ खाने में तो काफ़ी मज़ा आता है। तो चलिए फिर रेडी करते हैं इसे बनाना। और कटहल की वीडियो मैंने एक डाली है जिसमें मैंने कटहल को साफ़ किया है, तो प्लीज़ वो 15 सेकंड की वीडियो है, आप शॉर्ट्स वीडियो है, आप देख लीजिएगा उसे। और कटहल को कैसे साफ़ किया जाता है तो उसमें मैंने बताया है। अब बनाती हूँ कटहल की सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए पहले मैंने ग्रेवी रेडी करने के लिए, ये देखिए ये मैंने लिया है प्याज। अगर आपकी प्याज बड़ी है तो आप 2 से 3 ले सकते हैं, छोटी हैं तो कम से कम 4-5 ले सकते हैं। 2 टमाटर लिया है और हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको खाना हो। और ये मैंने लिया है लहसुन। मैंने ये इतनी कलियां लहसुन की ली हैं। हमें कच्चा मसाला ज़्यादा ऐड करना है और कच्चे मसाले से हमारी कटहल की सब्ज़ी काफ़ी स्वादिष्ट भी बनेगी। तो ये ले लिया मैंने कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने अच्छे से थोड़ा सा धुल दिया है और ये गर्म हो रही है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ तेल, मस्टर्ड ऑयल। कटहल में थोड़ा तेल ज़्यादा पड़ता है, तेल डाल दिया है। 1 तेज़पत्ता, 1 स्पून जीरा, 1/2 स्पून हींग पाउडर। हींग जीरे से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है और हमारे पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है। ये दालचीनी 4 से 5 दाना, काली मिर्च 1 ले लिया मैंने जी, और 1 लिया है छोटी इलायची। इसे भी हम अच्छे से कूट कर इसमें डाल देंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा हमें नहीं कूटना है, बस इसे फोड़ लेना है। इसे भी डाल दिया। अब इसे हम कर लेंगे ग्रेट। ये हमारा ग्रेट हो गया है। अब इसे भी हम मिक्स कर देते हैं तेल में। हल्का ब्राउन होने तक इसे भून लेना है। जब तक ये भून रहा है तब तक हम अपने टमाटर को भी अच्छे से पीस लेते हैं। बस ये याद रहे कि टमाटर को अलग ही पीसना है, उसका काफ़ी अच्छा स्वाद रहता है। जब ये ब्राउन हो जाए तब हमें टमाटर को इसमें ऐड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तड़का रेडी हो गया है, लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये टमाटर पिसा हुआ और इसे भी अच्छा ब्राउन होने तक हम भून लेते हैं। ये हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले। 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून हल्दी पाउडर, 2 से 4 पिंच कस्तूरी लाल मिर्च। इसे भी अच्छे से हमें भून लेना है। 2 मिनट तक भूनना है। जब ये हमारी ग्रेवी तेल छोड़ने लगे तब हमें इसमें सब्जी ऐड करना है। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये सब्जी। इसे भी हमें अच्छे से कुक कर लेना है। पहले पूरा मिक्स कर देंगे ये मसाले जो हमने अच्छे से इसकी ग्रेवी बनाई है। ये मिक्स हो गया, अब थोड़ा कुक कर लेंगे 2 मिनट तक। अब इसे 2 मिनट तक हम ढक देते हैं। 2 मिनट हो गया, कुक हो गया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ नमक, जिससे और अच्छे से कुक हो जाए। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब इसे मिक्स कर देती हूँ। फिर इसे कवर कर देना है। इसको हम निकालते हैं और देखिए काफ़ी कुक हो गया है ये। पानी, अब इसमें
इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और अब कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे हमें कुक कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। एक बार हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी थोड़ा सा कसर है और इसे पकना है। अभी हमें कम से कम 5 से 7 मिनट तक और पकाना है। तो देखिए कितनी अच्छी, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, काफ़ी स्वादिष्ट बनी है। थोड़ा सा और कुक कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटहल की सब्जी रेडी हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और हल्का सा चलाकर इसे और इसे ढक देंगे। कम से कम 2 मिनट के लिए, 2 मिनट हो गए हैं। अब इसे मैं आपको इसी प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनकर रेडी है। तो आप भी बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए, और कमेंट में ज़रूर कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।